मॉर्निंग, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है। जयपुर शहर के क्षेत्र विशेष में नहीं आने को लेकर ये धमकी दी गई है और ये चेतावनी दी है। भगवाधारी की जगह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और आपको बता दें कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य को दी गई है गालियां। सूत्रों के अनुसार धमकी देने वाले शख्स का नाम समुदाय विशेष से विधायक बाल मुकुंदाचार्य कुछ समय के बाद करेंगे इस बात का खुलासा। तो जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है, गालियां उनके लिए लिखी गई है, जयपुर शहर के क्षेत्र विशेष में नहीं आने को लेकर चेतावनी दी है, भगवादारी की जगह आपत्तिजनक शब्दों का किया गया है इस्तेमाल। तो सूत्रों के अनुसार धमकी देने वाले शख्स का नाम समुदाय विशेष से, आपको बता दें कि कुछ समय बाद विधायक बाल मुकुंदाचार्य खुद इस बात का खुलासा करेंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। वैसे हमेशा से ही विधायक बाल मुकुंदाचार्य चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें धमकियां दी गई है, चेतावनियां दी गई है, क्षेत्र विशेष में नहीं आने को लेकर उन्हें ये चेतावनी दी है। मेरे साथ विष्णु शर्मा जुड़ चुके, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम करूं करेंगे। विष्णु, ये जानकारी मिल रही है कि विधायक बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दी गई है, चेतावनी दी है विशेष क्षेत्र में न आने को लेकर। क्या पता चल पाया कि कौन ये शख्स था और क्या खुलासा करने वाले हैं कुछ देर बाद बाल मुकुंदाचार्य? बिल्कुल, लगातार बाल मुकुंदाचार्य क्योंकि कई मुद्दे उठाते रहे हैं, तो ऐसे में एक धमकी आई है। जानकारी मिली है कि धमकी इस तरह की आई है कि जो क्षेत्र विशेष है, जहाँ समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, वहां जाके भी वो बवाल करते हैं, तो उस बात को लेकर उनसे कहा गया है कि वो इन क्षेत्रों में नहीं आए, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही उन्होंने भगवादारी शब्द को भी भगवादारी बोला। इसके अलावा उनके कई ऐसी चीजें, कई बाल काटने के, जो बड़े बाल है बाल मुकुंदाचार्य के, तो उसको कई, इसके अलावा भी चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह की कई धमकियां आई है और इसको लेकर शिकायत भी की पुलिस ने, और आज बाल मुकुंदाचार्य इस बात को लेकर खुलासा भी करेंगे कि क्योंकि लगातार धमकियां उन्हें मिल रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, क्योंकि कल ही पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लिखे हुए दीवारों पर दिखे थे और उसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य ने आक्रोश जताया था, तो कहीं ना कहीं इन जो चीजों के तार हैं वो आपस में लिंक हो सकते हैं। धमकी देने वाले शख्स का नाम डॉक्टर जावेद या नावेद कुछ इस तरह का है, जो शख्स है उसके बारे में आप पता लगाने की जरूरत है या पुलिस पता लगाएगी कि आखिर कौन है जो बाल मुकुंदाचार्य को धमकी दे रहे हैं। तो बाल मुकुंदाचार्य एग्रेसिव हिंदुत्व के प्रतीक है, वो लगातार क्षेत्रों में जो कई बातें थी विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद भी लगातार उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं जयपुर चार दीवारी में लेकर। इसी बात को लेकर अब ये देखा जाएगा कि कौन है और बाल मुकुंदाचार्य क्या खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब खुलासा कुछ देर बाद करेंगे कि इस तरह के धमकी देने वाला आखिरकार कौन है, किस तरह की धमकियां उनको मिल रही है। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, खुलासा फिलहाल थोड़ी देर बाद खुद बाल मुकुंदाचार्य करेंगे, लेकिन जो कल दीवारों पर नारे लिखे गए थे उसको लेकर कुछ आक्रोशित नजर आए थे बाल मुकुंदाचार्य और उसको लेकर कई चीजें कही थी। हो सकता है उसी की वजह से इन्हें ये चेतावनी और ये गालियां दी जा रही हों। हालांकि थोड़ी देर बाद जब वो खुद खुलासा करेंगे इसके बारे में पता चलेगा, और पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं, जयपुर में दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इस घटना पर आक्रोश जताया और चौड़ा रास्ता में बैंक वाली गली के बाहर नारे लिखे गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से इन दीवारों पर नारे लिखे हैं। वहां से गुजरते समय विधायक बाल मुकुंदाचार्य की नजर जब इस दीवार पर पड़ी तो दीवारों पर चार पांच जगह इस प्रकार के नारे लिखे गए हैं। विधायक ने आरोपी को तुरंत पकड़ने की मांग की, वहीं पुलिस बैंक के पास लगे कैमरों को खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो इन दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, किसने ये कृत्य किया है उसको लेकर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसे पकड़ा जाए।
देखा कि पाकिस्तान लिखा है तो मैं उतर के गया तो वहाँ ये लिखा हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद। हो सकता है किसी सिरफिरे आदमी ने ऐसा लिखा हो, क्योंकि कई जगह लिखा था पंजाब मुक्त हो जिंदाबाद, ऐसे भी लिखा था, तो समझ में नहीं आया कि किसने क्यों लिखा है। लेकिन वहाँ कैमरे लगे हैं, मैंने अधिकारियों को आज निवेदन कर दिया है तुरंत, कुछ देर पहले की घटना है ये, कि इसकी जांच की जाए और ये कौन लोग हैं कैमरे से देखा जाए जो इस प्रकार की शब्द लिखे और यहाँ माहौल खराब करना चाहते हैं। तो अब ये जांच का विषय है, तो अधिकारी देखेंगे कि किसने लिखा है ये सब।